नमस्कार, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर सेकेंड के बारे में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के। इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे और फूड्स हैज़ फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स। इन मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट बात करेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जब आएंगे तो इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और ये भोजन में है या नहीं, इसका प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति को हम कैसे जाँचेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट बात करेंगे फैट्स क्या होता है और ये भोजन में उपस्थित है या नहीं, इसके टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, इसके जांच के बारे में बात करेंगे, कैसे टेस्ट कर पाएंगे। आफ्टर दैट एक एक करके हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और इसके टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे टेस्ट कर पाएँ कि हमारे भोजन में प्रोटीन है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मिनरल्स क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स ऑफ कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स में ही आता है ये। फिर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ये सभी मिनरल्स के पार्ट हैं। फिर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ आयोडीन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इस चैप्टर में सोर्स ऑफ आयरन के बारे में। फिर हम बात करेंगे जनरली जिसको हम कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बारे में, वाटर के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में रफेज क्या है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम पेश कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट वन के बारे में, जिसमें हम 14 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये सारे चैप्टर के बारे में, क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की मीनिंग देखें तो न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, और शब्द से ही पता चलता है कि ये पोषक है, यानी हमारे ग्रोथ के लिए, हमें बढ़ने में सहायता करता है या हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है, ये न्यूट्रिएंट्स में आता है। यह सभी चीज़ों की जो हमें ज़रूरत होती है उन सभी को पूरा करता है। कौन? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो अगर हम बात करें मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, भिंडी, फिश करी, वेजिटेबल्स, कर्ड, बटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो हम अपने भोजन में लेते हैं टाइम टू टाइम, पिकल्स, अचार हो गए, दालें हो गई, यानी जो कुछ भी हम अपने भोजन में या हमारे घरों में जो उपलब्ध होता है हम लेते हैं, उसमें ये कंसिस्ट होता है, उसमें ये समाहित होता है, उसमें ये भरा पड़ा होता है। तो अगर हम इसको इसके बारे में बात करें कि न्यूट्रिएंट्स, चलो भाई हम मान लेते हैं कि हमारे भोजन में है, तो ये करता क्या है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि सब्सटेंस, एक ऐसा तत्व, तो एक ऐसी चीज विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे जीवन को मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने का अर्थ है कि हमें बीमार नहीं होने देता, हमें फिजिकली स्ट्रांग रखता है, हमें मेंटली स्ट्रांग रखता है, हमें बढ़ने में सहायता करता है, या हमारा जो भी फिजिकल ग्रोथ है, मेंटली जो ग्रोथ है, इन सब में ये हमें बहुत ही सहायक होता है। और इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यह एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें फिजिकली, मेंटली हर तरह से ग्रोथ होने में या हमें बनाए रखने में, हमें मेंटेन करने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। और ये अभी हमने ऊपर बात किया कि ये न्यूट्रिएंट्स हम जो भी साधारण रूप से हम अपने घरों में भोजन करते हैं उन सब में कंसिस्ट होता है, समाहित होता है। चाहे वो चपाती हो, चाहे वो दाल हम खा रहे हों, चाहे भिंडी खा रहे हों, या हम फिश करी खाते हों, या वेजिटेबल्स खाते हों, या दही खाते हों,
या बटर खाते हों या मिल्क पीते हों, मतलब कुछ भी अगर हम अपने घरों में उपलब्ध वस्तुओं को या उपलब्ध भोजन को लेते हैं तो उसमें हमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे जो भोजन के पांच मुख्य रूप से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो मुख्य रूप से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आम भाषा में कार्ब्स भी कहा जाता है। हम बात करेंगे कि ये किस लिए हमारे शरीर में सहायक होता है। फिर सेकंड में हम बात करेंगे फैट्स क्या होता है, आफ्टर दैट हम बात कर लेंगे इसमें प्रोटीन। चौथा है हमारे शरीर का जो मेजर या हमारे भोजन का जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने बोला था विटामिन ए भी है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और भी कई तरह के विटामिन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं या हमारे भोजन में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। इसके साथ साथ इन पांच मेजर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एक वाटर है एंड रफेस, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये हमारे शरीर के लिए हमारे भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुख्य भाग है। इनका भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना हम कहते हैं कि फाइव मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर में हैं भोजन में जो उपलब्ध हैं उनका होना जितना ज़रूरी है उतना ही होना वाटर एंड रफेस के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें टोटली कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, कंपोनेंट्स का मतलब ही होता है तत्व या वैसी चीज़ें जो इसमें भोजन में हमारे उपस्थित हैं। ऐसा अवयव या ऐसा पार्ट जो हमारे भोजन में उपस्थित होता है, तो सबसे पहला अगर हम फिर से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, आफ्टर दैट हम बात करेंगे इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये सात हो जाते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो ये टोटली कितने होते हैं, सात होते हैं। ये हमने इस तरह से डिवाइड कर रखा है, समझने में आपको आसानी होगी। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें तो सबसे पहला हो गया फैट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया क्या मिनरल्स, चौथा हो गया क्या वाटर, और पांचवा हो गया रफेज, छठा हो गया क्या विटामिन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हो गया सातवां कार्बोहाइड्रेट्स। और ऐसे तमाम तरह के हमारे शरीर के अंदर कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही माइनर हैं, या हम उनको बहुत ज़्यादा अभी आगे चलकर जानेंगे आगे के क्लासों में, लेकिन मेजर रूप से मुख्य रूप से इन सात कंपोनेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, सेवन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम इस सात कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जानेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं ये कंपोनेंट्स क्या हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर में किस तरह से हमें फिजिकली मेंटली हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे, ये कार्य क्या करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में हमारे बॉडी में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी बात किया था कि वो भोजन क्यों करते हैं, हम भोजन करते हैं अपने शरीर में एनर्जी लेने के लिए, और उस एनर्जी का प्रयोग हम कहीं ना कहीं अपने किसी काम को किसी न किसी टास्क को पूरा करने में करते हैं। चाहे हम फिजिकली दौड़ रहे हों, चाहे हम बैठ करके पढ़ाई कर रहे हों, वहाँ भी हमारे लिए एनर्जी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है ये प्रोवाइड होता है हमारे शरीर में कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे अगर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स भाई मिलता कहाँ से है, इसके क्या सोर्स हैं, हम क्या भोजन लेंगे जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को मिल जाएगा, तो इसमें हमें ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू, शुगर स्टार्च मिलता है। ये कहाँ से आते हैं, तो इट्स कम्स फ्रॉम सीरियल्स। जनरली हम अनाज खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, जौ हो, चना हो,
कुछ भी जो भी अनाज हम खाते हैं लाइक वीट एंड राइस, इन सब से हमें क्या मिल जाता है, तो कार्ब्स मिल जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें। अब गेहूं से हम क्या क्या लेते हैं भाई, गेहूं डायरेक्ट तो हम खाते नहीं हैं, हम वीट को डायरेक्टली तो खाते नहीं, तो हम चपाती बना के खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, ब्रेड हमें प्राप्त हो जाता है जो वीट से बना होता है, नूडल प्राप्त हो जाता है जो वीट से बना होता है। इन सभी चीजों को हम खा करके अपने शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें राइस, तो राइस से हम इडली भी बनता है, राइस से हमें डोसा भी हम बना करके खाते हैं। तो ये चीजें खाने से हमें हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आगे हम बात करेंगे दूसरी चीज, कह रहा है यहां पोटैटो यानी आलू। यहां पे देखो, जैसे कहने का मतलब है कि जो वीट हम जितना लेते हैं या जो राइस लेते हैं, उससे कहीं अगर हम कंपेयर करें पोटैटो को, आलू को कंपेयर करें, तो इसमें जो है लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। यानी अगर हम आलू की बात करें तो आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, वीट राइस पोटैटो मेज मिलेट पोटैटो स्वीट पोटैटो सुगर हनी बनाना मैंगो पपाया, इन सभी से हमें सफिशियंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह है स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद भी कहा जाता है। पोटैटो जनरली सभी सब्जियों का राजा कहा जाता है, सभी सब्जियों में प्राप्त हो जाता है। यह है सुगर कैन ईख पपाया मैंगो मेलन्स मेज बाजरा राइस वीट, इन सभी चीज़ों में सफिशियंट मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाता है। अब आगे बात आती है कि इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम जांच करेंगे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले इस जांच को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखेंगे टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस ध्यान दीजिए, यहाँ स्टार्च का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम टेस्ट करते हैं वो एज ए स्टार्च होता है, और ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग, किस चीज़ का प्रयोग करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन का सोल्यूशन लेना है, लेकिन उसे हमें क्या कैसा रखना है, डिल्यूट रखना है। डिल्यूट का मतलब होता है, इसमें देखिए दो टर्म्स होते हैं, अगर हम केमिकल के टर्म में आए तो दो टर्म होते हैं, एक होता है डिल्यूट और दूसरा टर्म होता है कॉन्सेंट्रेट। कंसंट्रेट यानी डिल्यूट का मतलब होता है पतला। पतला इन द सेंस क्या है कि जो भी मटेरियल हम घोल रहे हैं पानी में उसकी मात्रा कम हो, उसकी मात्रा क्या हो, कम हो। और कंसंट्रेट का यहां मतलब है गाढ़ा, और गाढ़ा इन द सेंस क्या है कि जिस भी पदार्थ को हम पानी में घोल रहे हैं उस पदार्थ की मात्रा उस पानी में ज्यादा हो। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डिल्यूट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है। तो हमें इसके टेस्ट के लिए, स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें चाहिए होगा क्या, आयोडीन, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अब इस टेस्ट को हम कैसे जानेंगे, इस चलो मान लेते हैं कि हमारे पास डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम इस टेस्ट से क्या करेंगे, ऐसा उसमें हमें क्या दिखेगा कि हम जान जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि उस भोजन में स्टार्च है। तो ध्यान दीजिए, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये फैक्ट पे मौजूद है। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन उस भोजन में डालते हैं तो हमें ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। जैसे ही उस भोजन में हम
आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे, हमें ब्लू ब्लैक कलर निकल करके मिलेगा जब, तो हम ये मान लेते हैं या जान लेते हैं कि उस भोजन में कॉम्बिनेशन है किस चीज का, स्टार्च का। तो इसका थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। जैसे कह रहा फूड आइटम, किसी भी भोजन में अगर हमें टेस्ट करना है कि हमारे इस भोजन, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो इस चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस भोजन में ऐड करेंगे क्या, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे हम उस भोजन में डालेंगे, और जब वो हमें वो भोजन या जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज ब्लू या ब्लैक कलर निकल करके उसमें से जब सामने आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस भोजन में स्टार्च मौजूद है। ठीक है, अगर किसी भोजन में जब हम ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब एडिंग डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन करते हैं, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम डालते हैं उस भोजन में और हमें ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त नहीं होता है, तो हम ये मान लेते हैं या हम ये फैक्ट फिक्स कर लेते हैं कि उस भोजन में स्टार्च नहीं है। देखिए, अगर हमें ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त होता है तो हम ये मानते हैं कि भोजन में स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त नहीं होता है, नॉट प्रोड्यूस, ब्लू ब्लैक कलर अगर हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस भोजन में स्टार्च कंटेन नहीं है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे ये टेस्ट। चलो, ये तो पता लग गया कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन भोजन में डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर देगा या नहीं देगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर देता है तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें, इस फूड में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं निकल करके आता है वहां से, तो हम ये मान लेते हैं कि इस भोजन में स्टार्च नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, एक छोटे सी मात्रा में भोजन लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक बीकर में या हम कहें एक परखनली में, जो इस तरह की परखनली होती है, इस परखनली में छोटा सा भोजन का टुकड़ा डालेंगे। फिर इसके बाद एड टू थ्री ड्रॉप्स, दो या तीन बूंद जो है डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम भोजन में डालेंगे, किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इस कांच के बीकर में, या हम ये कहें कि इसमें हमने ले लिया है फूड सैंपल ले लिया, इस फूड सैंपल में आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे जो कि ब्राउन कलर का, जनरली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इस ड्रॉपर से। ड्रॉपर से हम दो या तीन बूंद इस भोजन के सैंपल में, फूड सैंपल में हम डालेंगे, और इसमें आते ही, जैसे ये भोजन का क्या कलर है, वाइट कलर है, ये आयोडीन ड्रॉप कैसा है, तो ब्राउन कलर का होता है, और जैसे ही हम इसमें मिक्स करेंगे ये ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, तो हम ये मान लेंगे कि इस फूड में क्या कंटेन है, स्टार्च है। इस फूड में क्या कंटेन है, तो स्टार्च कंटेन है। यहां पे दिया हुआ कि फॉर ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है उस फूड सैंपल में, जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है, तब हम क्या कहते हैं, स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड। इस दिए हुए फूड में या हमारे द्वारा लिए गए फूड सैंपल में स्टार्च मौजूद है। अगर ब्लू ब्लैक कलर हमें नहीं प्राप्त होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि दिए गए या लिए गए फूड सैंपल में स्टार्च कंटेन नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है फैट। फैट मींस क्या होता है, वसा होता है, जिसको हम आम भाषा में चर्बी भी कहते हैं। फैट मींस वसा।
अब ये क्या करता है? चलो हमने कार्बोहाइड्रेट से जान लिया कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमने ये भी जान लिया कि किस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है, हमने ये भी जान लिया कि हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे कर लेंगे या कैसे कर पाएंगे कि हमारे ये भोजन में है या नहीं है। सेकेंड कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, फैट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर हमने ऊपर देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है हमें, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहां पे कह रहा है कि फैट भी जो है क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन एक डिफरेंस यहां पे दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक डिफरेंस यहां पे ये दिख रहा है कि जितनी मात्रा में हम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर सेम अमाउंट में उतनी ही मात्रा में अगर हम फैट लेते हैं, तो फैट से जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुना ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगा। यानी अगर हम अमाउंट की बात करें, सपोज दैट मानिए कि इस अमाउंट में हम फैट लेते हैं और सेम अमाउंट में, इसी अमाउंट में हम अगर कार्ब्स लेते हैं, तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, अगर वो 4 यूनिट एनर्जी मिलती है हमें, तो जो कार्ब्स है उससे हमें सिर्फ कितनी यूनिट मिलेगी, 2 यूनिट मिलेगी। यानी कार्ब्स के सेम अमाउंट लेने से अगर हम फैट के ही उतने ही अमाउंट को कंज्यूम करते हैं, तो कार्ब्स में अगर हमें 2 यूनिट एनर्जी मिलती है, तो फैट में हमें 4 यूनिट एनर्जी प्राप्त होती है। फिर हम बात कर लेते हैं ये हमें किन भोजन से प्राप्त होता है, किन किन भोजनों से प्राप्त होता है फैट। तो बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल में किस चीज़ का, तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट। फिर बात करेंगे एग योल्क, जो अंडे का पीला वाला पार्ट होता है उसमें हमें ज़्यादा फैट प्राप्त होता है, मीट, कैस्यू, इन सभी भोज्य पदार्थों से हमें फैट प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ देखें फिगर के थ्रू थोड़ा सा समझें, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो फिगर ए में कंटेंट्स हैं सभी ग्राउंडनट्स, नट्स, तिल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम कहें कि फैट प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जिनसे हमें फैट मिलता है, तो हम इन सभी का नाम लेंगे, ग्राउंडनट, तिल, नट्स, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। ये तो प्लांट प्रोडक्ट हो गए। अगर हम बात करें कि क्या हमें एनिमल प्रोडक्ट से भी फैट मिलता है, तो जी हाँ, हमें ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, ये क्या हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट है। ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्या है, मीट है, फिश, एग, क्रीम, बटर, मिल्क, घी, ये सभी हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं और इनमें भरपूर मात्रा में क्या मौजूद होता है, तो फैट्स होता है। यानी हमने यहाँ दो तरह का डिफरेंशिएट कर लिया कि कुछ एनिमल प्रोडक्ट जिसमें फैट होता है और कुछ प्लांट प्रोडक्ट जिसमें फैट प्राप्त होता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फैट्स और सॉलिड, जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं कहाँ पर, तो रूम टेम्परेचर पर। यानी हम जनरली अपने रूम टेम्परेचर में रखें फैट को, तो ये किस में मिलेगा, सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। अगर ऑयल है
तेल है तो ये किस फॉर्म में हमें मिलेगा रूम टेम्परेचर पे? ये लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हमने ऊपर भी बात किया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी प्राप्त होता है और फैट से भी हमें एनर्जी प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों को, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? जनरली बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी हमें ऊर्जा देने वाले भोजन है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि प्लांट सोर्स ऑफ फैट्स आर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तिल, नट्स। अभी हमने ऊपर भी बात किया कि जो प्लांट प्रोडक्ट हैं या प्लांट सोर्सेस हैं, पौधों से प्राप्त होने वाला जो फैट है, ये ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तिल है एंड नट्स है। फिर अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट्स क्या हैं, तो बटर है, घी है, मिल्क, चीज एंड मीट। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं कि फैट को टेस्ट कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में फैट मौजूद है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इसके बारे में देख लेते हैं कैसे करना होगा। अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज वन विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो पारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है, उससे किसी भी लाइट को अगर हम पास थ्रू करें तो पार्शियली यानी आधा अधूरा या कहें कुछ कुछ चीज़ें या कुछ लाइट जो है उस साइड या दूसरे साइड हमें प्राप्त होती है या पता चलती है। दूसरी चीज, फैट जो है ग्रीसी पैच प्रोड्यूस करता है। ग्रीसी का मतलब होता है ऑयली या चिपचिपा, जिसको कहते हैं चिकना, दाग या धब्बा जैसा, ये प्रोड्यूस कर देता है जब हम किसी सीट या पेपर पर इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे। रब्ड ऑन अ क्लीन सीट ऑफ पेपर, किसी भी एक सीट पेपर पे, साफ सीट पेपर पर जब हम फैट को रगड़ते हैं या जो भी भोजन है उसको जब हम रगड़ते हैं, तो ये अगर ग्रीसी पैसेज प्रोड्यूस करता है, कुछ चिकना या चिकनाई वाला दाग धब्बा उस पे उगता है, तो उस हिसाब से भी हम जान जाते हैं या समझ जाते हैं कि उस भोजन में क्या है, फैट मौजूद है। और उसके बाद उस ग्रीसी जो पैचेस है, उस ग्रीसी पैचेस से हम क्या करते हैं कि उसे हम लाइट के थ्रू, लाइट के सामने जब लेकर के आते हैं या लाइट के सोर्स पे जब लेकर के आते हैं, तो उससे लाइट जो है वो आगे के मतलब उसके उस पार भी दिखाई देता है, या वो जो बाकी पेपर है, जो ग्रीसी पैचेज है, यहाँ देखिए ध्यान से, जो ग्रीसी पैच है अपीयर टू ब्राइट एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पेपर। जैसे अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग से देखें, जैसे अगर हम कहें कि हमने एक पेपर लिया, हमने कुछ कुकिंग ऑयल, जैसे हमने बात किया कि ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, अगर हमने लिया उस पेपर पे थोड़ा सा रब कर दिया, तो रब करने के पश्चात कुछ देर बाद हमें ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है, ये काफी लाइटेड सो होगा, काफी चमकीला सो होगा रेस्ट ऑफ पेपर से, बाकी पेपर के पार्ट से। और यही चीज, यही जो ग्रीसी पैच है, ये हमें शो करेगा कि उस भोजन में फैट है या नहीं है। तो अगर इसकी हम प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ से हम देखते हैं हम क्या करेंगे, प्रोसीजर देखते हैं। रब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन फूड इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर। एक पेपर, कैसा भी आप पेपर ले लो, उस पे जो भोजन है जिसमें आपको लगता है कि इसमें हमें टेस्ट करना है कि फैट है या नहीं, उस भोजन को, छोटी सी भोजन की मात्रा को यानी छोटे से टुकड़े को लेकर के उस पेपर पर रगड़िए। होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू इट।
अब उस पेपर को, अब उस जो भी भोजन उस पे चिपक गया उसको हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उस पे जो पैचेस रह गए उसको रहने दीजिए, और उस पेपर को लाइट के सामने, लाइट के आगे उसको लेकर के खड़े हो जाइए, इस तरह से जैसे लाइट इस पार से उस पार उसमें हो। इफ द फूड हैज लेफ्ट अ ब्राइट ग्रीसी पैच ऑन पेपर देन फैट इज प्रेजेंट इन द फूड। अगर उस पे आपको कुछ ग्रीसी पैचेस, चिकने दाग धब्बे जैसा कुछ अगर दिखता है, तो इसका मतलब है कि उस भोजन में क्या मौजूद है, क्या वहां उपस्थित है, फैट मौजूद है। द फूड आइटम बींग टेस्टेड में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी जब हम फूड आइटम को टेस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम फूड आइटम को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ पानी भी होता है, लेकिन वो भी वेट पैचेस देता है, पानी भी वेट पैचेस देता है, लेकिन अगर कुछ देर बाद, थोड़ी देर रुक जाएं, तो जो पानी है वो क्या होता है, सूख जाता है, और अगर वो फैट होगा तो उस पर लगातार दिखाई देगा या लंबे समय तक दिखाई देता है, अगर पानी होगा तो उसका पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं कि पानी या हम ऑयल को अगर दोनों को रब करें किसी कागज पे तो दोनों गीला हो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर छोड़ने के बाद अगर हम थोड़े टाइम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो हम देखेंगे वाटर, जो वाटर के पैचेस जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन जो कुकिंग ऑयल या जो फैट का पैच होगा या जो धब्बे होंगे वो डिसअपियर नहीं होंगे, और वही चीज शो करेगा इफ द ग्रीसी पैच रिमेन इवन व्हेन द पेपर इज ड्राइड देन द फूड आइटम कंटेंट्स फैट। यानी कुछ देर बाद जब पानी सूख जाता है या पेपर को हम कुछ देर तक सुखा लेते हैं, तब भी अगर उस समय तक भी रिमेन्स रह जाता है, बचा रह जाता है ग्रीसी पैच, तो हम क्या कहते हैं कि फूड आइटम कंटेंट्स फैट, उस भोजन में फैट मौजूद है। अब आगे देख लेते हैं हम तीसरे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, जिसका नाम है प्रोटीन्स। सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखेंगे, ये कार्य क्या करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, इसका काम क्या है। दे सप्लाई द बॉडी विथ मटेरियल्स टू मेक अ न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। ये ऐसे मटेरियल को हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सप्लाई करता है जो कि नए सेल्स को बनाता है और हमारे शरीर को बिल्ड करता है, यानी मेक इट ग्रो, हमें बड़ा होने में मदद करता है या हमारे ऑर्गन्स को मजबूत होने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर जो नए सेल्स हैं उनको बनाता है। कौन? तो प्रोटीन। दूसरी चीज देखेंगे, इट ऑल्सो गिव मटेरियल विच रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल्स। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो जो डैमेज सेल होता है उसको भी ये रिपेयर करता है। कौन? प्रोटीन। यानी नए सेल बनाता है, हमारे बॉडी को ग्रो होने में मदद करता है, जो डैमेज्ड बॉडी सेल हैं उनको रिपेयर करता है। इसलिए फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, जिन भोजन में प्रोटीन मौजूद होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारे शरीर को बनाने वाला भोजन, हमारे मसल्स को, हमारे सेल को, हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करने वाला जो भोजन है उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। और उसे अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे भोजन हैं, हम डेली के रूटीन में भी खाते हैं, ऐसे बहुत सारे भोजन हैं जो हमें प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे लिए प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पल्सेस, पीज, बीन्स, फिश, मीट, एग्स, चिकन, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, ग्राम यानी चना और काला चना। ये सभी चीज़ जो हैं क्या है, इन सभी खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होता है।
अगर हम बात करें प्लांट्स की सोर्स ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स कौन से हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्रोटीन के लिए क्या क्या खा सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो हम पल्सेस ले सकते हैं, पीज, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सभी जो हैं प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे कि एनिमल सोर्सेस क्या हैं, तो फूड लाइक मिल्क्स, चीज़, फिश, चिकन, एग्स, ये सभी जो हैं ये एनिमल प्रोटीन सोर्सेस हैं, यानी सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, यानी जानवरों से जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उनमें प्रोटीन के सोर्सेस हैं दूध, चीज़, फिश, चिकन, एग, ये सभी जो हैं एनिमल से प्राप्त जो हम भी भोजन करते हैं उनमें भरपूर मात्रा में या हम कहें पूर्ण रूप से प्रोटीन फुलफिल होता है। अब इसकी बात आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन कंटेन है या नहीं है। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे पहले जानते हैं क्या होता है, कैसे हम चेक करेंगे, तो प्रोटीन गिव्स अ वायलेट कलर। अगर हम अपने भोजन में एल्कालीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एल्कालीन सोल्यूशन जो है जब हम अपने भोजन में डालते हैं और उसमें अगर प्रोटीन है तो हमें क्या देता है, वायलेट कलर प्रदान करता है, तब हमें पता लगता है कि इस भोजन में प्रोटीन है। इस चीज को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, टू सोल्यूशंस आर नीडेड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन। तो सोल्यूशन की हमें जरूरत पड़ेगी और वो सोल्यूशन क्या क्या है, तो पहला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इन दो चीजों के होने के बाद हम ये टेस्ट कर पाएंगे, अगर ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि हम ये कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ये हम बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो ये हम सिर्फ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, सिर्फ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे जिसे 100 ml वाटर में मिक्स कर डिसॉल्व कर देंगे, घुला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आफ्टर दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम यहां पे 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसमें उसको जो है 100 ml वाटर में मिक्स कर देंगे और हमें जब मिक्स करने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जब ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम आगे देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम टेस्ट करेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहले टेक 2 ml ऑफ गिवन फूड स्टफ, यानी जो भोजन का टुकड़ा है या जो भोजन को हम टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, उसमें 2 ml सोल्यूशन मिलाएंगे। सॉरी, कहने का मतलब है यहां पे कि जो भोजन है गिवन फूड स्टफ उसमें 2 ml सोल्यूशन मिलाते हैं और वो सोल्यूशन क्या होगा, तो एड लिटिल डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां फिर बात आ गई डिल्यूट की, अभी हमने ऊपर बात किया डिल्यूट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है। ये किसी भी सोल्यूशंस को पतला या गाढ़ा करने का टर्म है। डिल्यूट का मतलब होता है पतला सोल्यूशन, यानी हल्का सोल्यूशन जिसको कह सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा सोल्यूशन। तो हमें जब भी किसी भी टेस्ट में, मोस्टली ऐसे टेस्ट हैं साइंस में जिनको हम डिल्यूट सोल्यूशन के साथ ही करते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन होते हैं वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए रिस्क वाले होते हैं। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमें जब भी कोई टेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम वो लैब में हों या स्कूल में हों या घर पे, तो किसी न किसी बड़े के साथ, किसी न किसी टीचर के साथ ही हमें
उस चीज़ को करना चाहिए या किसी बड़े की देखरेख में ही करना चाहिए। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे और उसे मिलाएंगे टिल द मिक्सचर क्लियर, जब तक कि वो मिक्सचर क्लियर ना हो जाए, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल ना जाए या घुल ना जाए। उस फूड स्टफ के साथ हम 2 ml डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। फिर आफ्टर दैट देन तब उसके बाद एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 या 3 बूंद कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिलाएंगे एंड सेक, अच्छे से उसको मिलाएंगे द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिला लेंगे। इफ अगर ये करने के बाद वायलेट कलर अपीयर होता है, दिखाई देता है उस सोल्यूशन में, तो हम ये जान लेते हैं या हम ये फिक्स करते हैं कि उस भोजन में, उस गिवन फूड स्टफ में प्रोटीन मौजूद है। जैसा कि हम देखेंगे इस थोड़े से फिगर से एडमिनिस्ट्रेट देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमने ये फूड स्टफ लिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे डिल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 2 या 3 ml। आफ्टर दैट फिर इसमें हम डालेंगे डिल्यूट हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अगर ये हमें वायलेट कलर प्रदान करता है, अगर वायलेट कलर देता है, तो हम ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है, यानी इसमें प्रोटीन कंटेन है, प्रोटीन्स है। अगर ये किसी और कलर में आ जाता है तो ये नेगेटिव साइन है, यानी इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन मौजूद नहीं है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, विटामिन्स क्या होते हैं। तो हमने बात किया था विटामिन्स कई होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी क्या हैं, विटामिन्स के अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग रूप है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं, जरूरी भी होते हैं, और इन्हें हमें लेना भी चाहिए। जैसे हम देखेंगे विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हमारी जो आंख की रोशनी है इसे अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है। हमारे बोन्स जो हैं, जो हड्डियां हैं, इनको मजबूत रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स, इनको स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। हमारे दांत जो हैं, हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में प्रॉपर डाइजेशन हो सके, एक प्रॉपर ढंग से, उचित प्रकार से डाइजेशन हो सके, पाचन क्रिया हो सके, इसलिए विटामिन्स लेने की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और हमारे शरीर में या हमारा एक नॉर्मल ग्रोथ, यानी टाइम टू टाइम जिस अंग का, जिस पार्ट का, जिस फंक्स कह सकते हैं कि फंक्शनल पार्ट का ग्रोथ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होता रहे, नॉर्मली ग्रोथ होता रहे, इसलिए हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ प्रोटीन जो है हमें हमारे बॉडी, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी कई तरह की बीमारियां जो हैं, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती हैं तो, सॉरी, विटामिन्स की कमी होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं घर कर जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ये कह रहा दे आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि पूरा ठूस ठूस करके या खूब ज़्यादा से ज़्यादा हम विटामिन ले लें तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नुकसानदायक हो जाएगा। ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विटामिन्स को देख लेते हैं, जैसे कुछ कहने का मतलब है, ऐसे तो बहुत सारे विटामिन्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन सिक्स। ये अलग अलग विटामिन्स के वेरिएशन है। अगर हम बात करें विटामिन बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, जो बी ग्रुप के सभी जो हैं,
इनको एक नाम दिया गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर हम इतना लंबा नाम नहीं लेना चाहते हैं विटामिन B1, B2, B6, B12, तो हम सीधे सीधे इन सब को एक छोटे से टर्म में डिफाइन कर सकते हैं या कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही ये सभी आ जाएंगे, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। एक एक करके हम बात करते हैं कि विटामिन ए क्यों जरूरी होता है और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। सभी विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं जितना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है क्लास सिक्स में। इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हमारी आँख की रोशनी को अच्छा करने के लिए। हेल्दी स्किन एंड हेयर्स, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन ए की, जैसा कि इस फिगर में है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, इन सभी में हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें गाजर की तो इसमें विटामिन ए मिलता है, रेड चिली, ब्रोकली, बीन्स, एग, है ना, स्पिनच, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑरेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। इसको हम देख लेते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारे शरीर के लिए क्यों ये ज़रूरी होता है। तो ये हमारे आई साइट को मेंटेन करता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे बालों को हेल्दी रखता है। देखेंगे जैसे दूध, इसमें विटामिन ए मिल जाता है, बटर, कैरेट, फिश लीवर ऑयल, मैंगो, पपाया, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी में हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी की, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, तो ये हमारे लिए हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जो हमारा ग्रोथ होता है, हम जो बढ़ते हैं, जो हमारे शरीर में डेवलपमेंट होते हैं, इसके लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हम भोजन को पचाता है हमारे सिस्टम में, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, एक उचित प्रकार से ये कार्य कर सके, अच्छे से कार्य करता रहे, इसलिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है, ये अच्छे से काम करता रहे, इसलिए विटामिन बी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो तंत्रिकाएँ हैं, जो हमारे नर्व सिस्टम हैं, ये अच्छे से प्रॉपर ढंग से काम करते रहें, इसके लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। जो हमारे मसल्स हैं, ये अच्छे तरह से डेवलप होते रहें, ग्रोथ होते रहें, इसके लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम सोर्स देख लेते हैं, क्या ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें विटामिन बी मिल जाता है। तो हमें मिलता है एग से, हमें मिलता है मिल्क से, हमें मिलता है एग से, हमें मिलता है मीट से, वीट से, राइस एंड पोटैटोस, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लें, एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या हो गया, तो ये हो गया मीट, एग, दूध, दही, मिल्क, जो भी है, ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट हो गए। अगर हम बात करें प्लांट प्रोडक्ट, तो ऑरेंज, रेड कलर्ड फ्रूट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेड कलर्ड फ्रूट यानी जो लाल रंग के फल होते हैं, उनमें मोस्टली करके विटामिन बी मौजूद होता है। वेजिटेबल्स, और वो कैसे वेजिटेबल्स, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में हमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे आगे विटामिन सी के बारे में, कि ये विटामिन सी क्यों ज़रूरी है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी की आवश्यकता हमें पड़ती है हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को, हमारे ज्वाइंट्स को, जो जोड़ हैं, बोन्स के जोड़ हैं, जो बोन्स ज्वाइंट्स हैं, इनको हेल्दी रखने के लिए, इनको मजबूत रखने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ विटामिन सी की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। विटामिन सी जो है हमारे शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसमें हम देखेंगे सोर्सेस क्या क्या हैं विटामिन सी के। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसके जो सोर्सेस हैं,
साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल। उनमें खट्टे फलों में कौन आ जाएगा? आंवला, टोमेटो, टमाटर, ग्वावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेमन, ये सभी क्या हो जाते हैं? कीवी। अगर हम इस फिगर को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या हैं चीज़ें इसमें। देखिए, बनाना, टमाटर, टोमेटो है ना, गार्लिक, ब्रोकली, ऑरेंज, लेमन, कीवी है ना, ये रेड शिमला मिर्च हो गया, कैबेज, ये धनिया पत्ती हो गया, कीवी हो गया है ना, ये लेमन, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके सोर्सेस हैं? विटामिन सी के सोर्सेस हैं। और ये किस लिए ज़रूरी होता है? तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, डिजीज से फाइट करता है, ये हमारे टिथ, गम एंड जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, मजबूत रखता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी किस लिए ज़रूरी होता है और ये हमारे शरीर में किन किन भोजन पदार्थों से या भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो पाता है? तो ये हमारे शरीर के लिए नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिथ, ये हमारी हड्डियों के ग्रोथ के लिए, हमारे दांतों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। और ये विटामिन डी जी ही है, यहाँ सॉरी गड़बड़ हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, जो विटामिन डी है यही हमारे भोजन से, भोजन में जो मौजूद कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी भोजन में जो मिनरल्स एंड कैल्शियम आते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको उस भोजन से एक्सट्रैक्ट करता है, निकाल करके हमारे बॉडी को देता है, कौन? विटामिन डी। यहाँ पे देखें विटामिन डी के सोर्सेस क्या हैं, फिश, मिल्क, सीरियल्स, बटर, चीज़ एंड होल ग्रेन्स। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो नेचर में हमारे यहाँ मौजूद है? सनलाइट। इन सभी से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करें सोर्सेस, मिल्क, फिश, बटर, फिश, लीवर ऑयल, लीवर ऑयल से। इसके साथ साथ कह रहा है सम विटामिन डी इज आल्सो मेड इन आवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगर हमारी स्किन, हमारी जो चमड़ी है या जो हमारा स्किन है, ये अगर हम सनलाइट में थोड़ा एक्सपोज कर दें, सनलाइट में हम निकल जाएं, तो इससे भी कुछ विटामिन डी जो है हमारा शरीर क्या कर लेता है? बना लेता है। फिर इसके बाद बात करेंगे, ये तो हो गया विटामिन डी, आफ्टर दैट बात करेंगे मिनरल्स क्या है, यानी खनिज पदार्थ जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये क्या करते हैं? तो दे आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टिथ फॉर्मेस, टिथ हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को बनाने के लिए ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी? मिनरल्स की। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का गाढ़ा होना होता है, इससे भी ब्लड को गाढ़ा करने में भी मिनरल्स जो है मदद करता है हमारे शरीर में। फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स को अच्छे से फंक्शन करने में, अच्छे से कार्य करने में भी मदद करता है। नर्व्स यानी जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, एंड थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स को अच्छे से काम करने के लिए भी ये मदद करता है। बात आती है कि थायराइड ग्लैंड्स क्या है? तो ये ग्लैंड जो है हमारे इंडोस्ट्रीन ग्लैंड, यानी कि जो हमारे नेक, हमारे गले में एक इंडोस्ट्रीन ग्लैंड है, उसका एक ये पार्ट है। और ये जो है दो तरह के हार्मोन बनाता है, और दो तरह के हार्मोन को ये स्क्रेट करता है, निकालता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का वर्क है ये प्रॉपरली या नॉर्मली हो सके। इसलिए थायराइड ग्लैंड्स को भी नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में? तो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं कि ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो उनमें आता है मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। ये सभी मिनरल्स हैं।
कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। ये सभी हमारे शरीर में मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक एक करके हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, हमें कैल्शियम कहाँ से प्राप्त हो जा सकता है। तो मिल्क से मिल जाएगा, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, वीट एंड राइस। इन सभी चीज़ों, इन सभी भोज्य पदार्थों से हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। जैसा कि आप फिगर से समझ सकते हैं, फिश, सीरियल्स, पीज, चीज़, कैबेज, बीन्स, ब्रोकली, सीरियल्स, एग, गार्लिक, है ना। इस तरह से ये सभी जो हैं क्या हैं, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, अच्छे स्रोत है। फिर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फास्फोरस क्या है, फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है हमें। तो मिल्क, बाजरा, बनाना, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी से हमें फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। जैसा कि फिगर से आप देख सकते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें फास्फोरस मिलता है, यहाँ कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है। तो सोर्स ऑफ आयोडीन में आता है सी फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आयोडाइज्ड साल्ट, ड्रिंकिंग वाटर एट मोस्ट ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सी फूड क्या है, तो ऐसे जीव जो समुद्र से प्राप्त होते हैं उनमें हमें आयोडीन मिल जाता है। जो हम ऐसे जीवों को या ऐसे जानवरों को खाते हैं या ऐसे एनिमल्स को जो खाते हैं हम, जो समुद्र से प्राप्त होते हैं, उनसे भी हमें आयोडीन प्राप्त हो जाता है। बहुत सारी सब्जियां हैं जिनसे हमें आयोडीन प्राप्त हो जाता है, फ्रूट्स से प्राप्त हो जाता है। इवन जो मार्केट में आयोडाइज्ड साल्ट आ रहे हैं, जो नमक आता है, आयोडीन युक्त नमक जिसको कहते हैं, इनसे भी हमें आयोडीन मिलता है। एंड ऐसे बहुत सारे जगह हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में ही, पीने वाले पानी में ही आयोडीन मौजूद होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, साल्ट, एग, सी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, इन सभी से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आयोडीन प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा कि आयोडीन क्यों इसेंशियल है, ये क्यों आवश्यक है। तो ये थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, और यही थायराइड ग्लैंड, अभी हमने पीछे बात किया कि ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ को। जो थायराइड ग्लैंड है, इससे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन जो हैं हमारे बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, यानी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। फिर आफ्टर दैट हम देखेंगे सोर्स ऑफ आयरन। सोर्स ऑफ आयरन क्या है, स्पिनच, पालक, लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, एग, सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स, ये सभी हमारे आयरन के सोर्स हैं। जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे हैं, अनाज, पीज, मूंगफली हो गया, है ना, लीफी वेजिटेबल्स, इस तरह से स्पिनच, ये सभी क्या हैं, सोर्स ऑफ आयरन है, ये आयरन के अच्छे सोर्स हैं। अब आयरन का अच्छा सोर्स, यानी आयरन हमारे शरीर में क्यों आवश्यक होता है, तो देखेंगे आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको आरबीसी भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम क्या है, आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनमें क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इनमें क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और ये आयरन जो है हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन को बनाने में मौजूद मदद करता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरीज करता है, ले जाता है, कहाँ से, लंग से, हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को ले करके, ये जो हीमोग्लोबिन है यही ले करके जाता है हमारे ऑक्सीजन को फेफड़े से, और कहाँ तक, सभी बॉडी पार्ट्स तक, जहाँ जहाँ हमें ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। तो इसलिए आयरन भी हमारे शरीर में ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं वाटर, पानी, जनरली हम कहते हैं जल ही जीवन है, है ना। तो जल ही जीवन है, यानी कि इतना सब कुछ अगर हमारे पास हो, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, और जल ना हो
तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जो जीवन है, ये जो हमारा जीवन चक्र है, ये पॉसिबल हो पाएगा। तो वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी किस लिए? कुछ इसके जो मेन फंक्शन है क्या है? टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड टू द बॉडी सेल्स। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, वो हमारे शरीर के हर एक सेल तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन लेके जाता है? तो वाटर की मदद से जाता है, पानी लेकर के जाता है। दूसरी चीज देखेंगे, टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल। कुछ ऐसे जरूरी केमिकल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वाटर के थ्रू, जैसे हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, हर एक शरीर आर्गन का हार्मोन अलग अलग जरूरत पड़ती है, अलग अलग हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो उस चीज को कैरी करने के लिए, उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा मदद क्या करता है? टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, उस तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसको भी ये हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, यानी साफ करता है। अगला देखेंगे ये क्या करता है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के तापमान को ये कंट्रोल करता है, जो बढ़ने और घटने का काम होता है कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में या किस टेम्परेचर में हमारा बॉडी रहना चाहिए, ये वाटर ही है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। बात करते हैं सोर्स की, तो जनरली ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं वहाँ से हमें मिलता ही मिलता है। दूध में भी हमें पानी मिलता है, चाय में भी पानी मिलता है, कॉफ़ी में भी, जूस में भी, एंड जो फ्रेश फ्रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं तो भी हमें पानी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। जो वेजिटेबल्स हैं इनसे भी हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। फिर हम बात करेंगे रफेज, जिसको हम रेसा भी कहते हैं, और ये इट इज द फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये हमारे भोजन में एक फाइबरस मैटर होता है, एक रेसेदार युक्त भोजन होता है जो कि पचता नहीं है, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये हमारे शरीर में पचता नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारे शरीर में पचने के अलावा और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे शरीर को हेल्पफुल करता है, या हमारे बॉडी में इसको, बॉडी जो है इससे बहुत सारा चीज़ जो है फंक्शन करती है। जैसे अगर हम बात करें, इट इज़ मेनली मेड ऑफ एन इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। ये बनता किस चीज़ का है, रफेज होता क्या है? तो ये अपचीय कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो पचते नहीं हैं, जिन्हें सेल्युलोज कहा जाता है, जिन्हें सेल्युलोज कहा जाता है, जिसे कोशिका रस, सेल्युलोज का मतलब है कोशिका रस, ये कोशिका रस से बनता है, जिसे विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, और ये प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज जो है पाए जाते हैं, जिनको हमारे शरीर में इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। दूसरी चीज क्या करता है, क्या मदद करता है ये रफेज? तो देखेंगे, रफेज प्रोवाइड्स बल्क ऑफ द फूड, कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे शरीर में जो भोजन इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा नहीं होने देता। जो हमारे शरीर में जो भोजन कह सकते हैं कि जो वेस्ट मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको इस रफेज की ही मदद से इंटेस्टाइन में, जो हमारी आंतों में जो ट्रेवल करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको ट्रेवल करने में, मूव करने में सहायता देता है। एंड सबसे जरूरी चीज़, हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है भाई? तो ये एक तरह सा कब्ज होता है, जो हम कहते हैं कि हमारे पेट में मरोड़े होने लगते हैं या दर्द होने लगता है, हमारा जो मल है वो सुबह जब हम जाते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता, वही चीज़ जो है क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अगर हमारे शरीर में रफेज की कमी होगी तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे शरीर में, हमारे पेट में लगातार बना रहेगा। अगर रफेज हम लेते हैं भरपूर मात्रा में, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर में ये चीज़ जो है कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कर देता है, बचाव कर देता है।
अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है। तो द डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग हार्डेंड फीसेस, जो हमारा मल जो है थोड़ा टाइट हो जाता है, जिसको हम डिस्चार्ज करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी टर्म्स को क्या बोला गया है, कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत जिसको कहते हैं। अब इसके सोर्स देख लेते हैं, जो रफेज है उनके क्या सोर्स होते हैं। तो फ्रूट्स लेते हैं, मोस्टली फ्रूट्स में रफेज मिल जाता है हमें, मोस्टली वेजिटेबल्स में हमें रफेज मिल जाता है, एंड होल मिल फ्लोर में हमें रफेज मिल जाता है। एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, होल मिल फ्लोर, इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं कि होल मिल फ्लोर क्या है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रफेज यानी फाइबर कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन ब्रेड से एंड सीरियल से। तो एक हमारा टर्म है होल मिल फ्लोर। ये होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। द फ्लोर मेड फ्रॉम एंटायर व्हीट ग्रेन्स, ऐसा आटा जो अगर हम कहें कि जो व्हीट ग्रेन है, जो गेहूं है, उससे तैयार होता है, लेकिन उस तैयार आटे में से ब्रान को निकाला नहीं जाता है। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं तो हम चलनी से आटे से ब्रान को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अगर हम वो ब्रान न निकालें और उस पूरे होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उसको यूज में लें, तो हमें पूर्ण रूप से यानी भरपूर रूप से हमारे शरीर में फाइब्रस यानी कि रफेज की कमी नहीं होने देगा। यानी ये जो कह सकते हैं कि इज इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड होल मिल चपाती एंड होल मिल ब्रेड, जो होल मिल चपाती या होल मिल ब्रेड के नाम से आता है, इसमें भी ब्रान नहीं निकाला जाता है। और जो अगर ब्रान नहीं निकाला गया है तो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से क्या मिल जाएगा, रफेज, रफेज हमें प्राप्त होता रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमें नहीं होगी। तो इस तरह से इस पार्ट वन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसकी बात करेंगे पार्ट टू में, ठीक है। आई होप ये चैप्टर जितना हमने समझा इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आती है या कुछ परेशानी आती है तो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।